क्या आपका पेपर कुछ ऐसा दिखता है? क्या वाटर कलर पेपर स्ट्रेच करने की हमेशा ज़रूरत होती है? बकलिंग क्यों होती है? पेपर स्ट्रेच करने का सबसे आसान तरीका क्या है और शीट की कौन सी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए? अगर आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो। क्या हमको वाटर कलर पेपर स्ट्रेच हमेशा करना होता है? अगर आपका पेपर कुछ ऐसा दिख रहा है तो मतलब आप ड्राइंग शीट या किसी चार्ट पेपर टाइप पतले पेपर पे पेंटिंग कर रहे हैं जो बहुत सारे पानी के लेयर्स नहीं ले सकता है। तो अगर आपको बहुत सारा वाटर यूज़ करना है सो प्लीज़ यूज़ 300 GSM, उससे कम नहीं। वाटर कलर शीट्स दो फॉर्म में आते हैं, एक होता है पैड फॉर्म, जैसे कि ये मेरा पुराना आर्चिस का पैड, तो ये ब्लॉक है और यहाँ पे पेपर पहले से ही स्ट्रेच हो, कम से कम 20 शीट पहले से ही स्ट्रेच होके पेस्ट हुए हुए हैं। पेंटिंग ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे पैलेट नाइफ लगा के उस पेंटिंग को साइड से निकाल सकती हूँ, तो इसमें हमको स्ट्रेच करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। जो ये लूज़ वाटर कलर शीट्स हैं, अच्छे वाटर कलर शीट्स कॉटन फाइबर के बनते हैं और कॉटन फाइबर कपड़े की तरह जब हम पानी लगाते हैं वो कॉटन एक्सपैंड होता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने कहीं ज़्यादा पानी लगाया है, मैंने यहाँ पे कहीं कम पानी लगाया है, तो अब आप देखिए मैंने फुल स्पीड पे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड से पेपर एक्सपैंड होके उसमें क्रीजेज आ रहे हैं। अब आप देखेंगे जैसे कि ये पेपर सूखेगा, ये सब ये स्पीड में हो रहा है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कभी कम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके वजह से हमको पेपर पे बकलिंग हो जाती है। तो सबसे आसान तरीका क्या है पेपर स्ट्रेच करने का? आपको चाहिए होगा एक आर्ट बोर्ड या एक थिक बोर्ड, ब्लो ड्रायर, सिजर्स, फ्लैट ब्रश, वाटर एंड मास्किंग टेप। ये वाला आर्ट बोर्ड मैंने एक फोटो फ्रेम से निकाल रखा है, आप किसी भी फ्रेमिंग शॉप पे भी ये ले सकते हैं। अब शीट की कौन सी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए? कभी भी आपके पास लूज शीट्स हो तो उसमें यूजुअली कंपनी का लोगो होता है, वो साइड ऊपर होगी, पर ये फैब्रियानो पेपर में लोगो नहीं है, तो जो साइड आपको ज़्यादा खुरदरी लग रही है, ज़्यादा रफ लग रही है, वो ऊपर की साइड होगी और जो साइड ज़्यादा स्मूथ है वो नीचे की साइड होगी। तो या तो आप लोगो देखिए या आप उसका टेक्स्चर देखिए। कभी कभी हम उल्टी साइड पर लगा लेते हैं, दो आई डोंट थिंक दैट मेक्स मच ऑफ अ डिफरेंस। तो यहाँ पे मैंने सही साइड लगा ली है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी मास्किंग टेप। अब मैं एक कॉर्नर पे अच्छे से एक साइड पे मैंने लगा लिया है और दूसरे कॉर्नर पे मैं बस उसको प्लेस करूँगी, मैं अभी उसको अच्छे से नहीं स्टिक करूँगी, इसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊँगी। तो इस तरह हम सारे कॉर्नर्स में टेप लगा लेंगे और एक साइड अच्छे से फिक्स कर लेंगे। चलिए अब हमने ऊपर के साइड भी लगा लिया है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट साइड लगाने से पहले वी विल मेक श्योर कि पेपर के नीचे कोई बबल्स ना हो, कोई एयर बबल्स ना हो, क्योंकि हमको ट्राई करना है कि पेपर उस बोर्ड के अगेंस्ट फ्लैट बैठे और कोई एयर कहीं से भी अंदर ना आए। ऐसा भी होता है कभी कभार कि चारों साइड हम अच्छे से टेप कर देते हैं और अंदर बम्स आ जाते हैं एयर के, तो यहाँ पे मैं अपने हाथ के साथ पेपर को स्मूदन आउट कर रही हूँ टू मेक श्योर कि वो बिल्कुल फ्लैट है और अंदर कोई एयर बबल्स नहीं है। चलिए गाइस, नाउ द ईजिएस्ट वे टू स्ट्रेच योर पेपर, हम क्या करेंगे इस ब्लो ड्राई मेथड से पानी को इंटेंशनली स्ट्रेच करेंगे और इंटेंशनली उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तेज़ी से, ताकि कहीं भी ज़्यादा गीला ज़्यादा वेट ना हो, इवनली वो स्ट्रेच हो और इवनली वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए। मैं अपने फ्लैट ब्रश के साथ पानी लगाना शुरू करूँगी, पहले लेफ्ट टू राइट, एंड मेक श्योर कि आप अलग अलग एंगल से देखना, बोर्ड को उठा के देखना कि कहीं गैप ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ड्राई पैच हो जाए। तो यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे भी स्ट्रोक्स लगा रही हूँ और सारे स्ट्रोक्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ताकि कोई भी जगह ड्राई ना हो। अब जब हमारा पेपर अच्छे से वेट हो गया है, अभी स्ट्रेचिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, तो आप देख सकते हैं अभी से पेपर उठ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपने हेयर ड्रायर को लेके उसको एक लो हॉट सेटिंग पे पेपर को इंटेंशनली हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हम तेज़ी से करेंगे, हम एक ब्लास्ट दे रहे हैं गर्म हवा को, सो दैट द पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स इवनली, बिकॉज अगर आप उसको ओपन एयर में छोड़ देंगे सूखने के लिए तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कहीं ज़्यादा पानी हो गया तो सूखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, दूसरे जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसके वजह से भी हमारी पेपर वॉर्पिंग हो जाती है। पर यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ब्लो ड्रायर है, मैं इंटेंशनली देख सकती हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा पानी है, तो उधर मैं ज़्यादा हीट लगाऊंगी। इवनली मैं लेफ्ट राइट बस स्ट्रोक अपने हेयर ड्रायर को घुमा रही हूँ और हमारा पेपर अपने आप धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड। ऑलराइट गाइज, नाउ माई पेपर इज एब्सोल्युटली ड्राई,
माई पेपर इज एब्सोल्युटली फ्लैट, इसके ऊपर मैं पेंटिंग करूँगी, कुछ भी करूँगी, जब पेंटिंग सूखेगी तो मेरी पेंटिंग फ्लैट ही रहेगी। सो आई लव दिस टेक्निक, इट्स अबाउट टाइम सेव होता है, या बड़ी पेंटिंग्स के लिए भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको बस थोड़ा पानी क्विकली और एक बड़ा ब्रश की ज़रूरत होगी। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका एक्सपीरियंस स्ट्रेचिंग का कैसा रहा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई वुड लव टू आंसर देम। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई टीच यू कि अगर आपकी पेंटिंग वॉप हो गई है पहले से तो हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।